हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी बधाइयां। ये सब कुछ कम पड़ जाएगा, इतनी सारी बधाइयां। बधाइयां इसलिए कि दिशा परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों ने इस बार एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसको तोड़ना दिशा परिवार के बच्चों के द्वारा ही संभव है, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। जिसे दिशा परिवार के बच्चों ने बनाया है और जिसे दिशा परिवार के बच्चे ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड दिशा परिवार बना रहा है और रिकॉर्ड दिशा परिवार तोड़ भी रहा है। तो ये बनाने और तोड़ने का सिलसिला आगे जारी रखेंगे आप, हमें इसका पूरा विश्वास है। और आप सभी को बहुत बधाई इसलिए, बहुत बहुत बड़ी बधाई इसलिए कि कर्मचारी चयन आयोग या स्टाफ सिलेक्शन द्वारा 1 जुलाई 2020 को घोषित सीजीएल के परिणाम में दिशा परिवार के अभी तक 202 210 कैंडिडेट सफल हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। अर्थात ये डबल सेंचुरी लग चुकी है, दोहरा शतक लग चुका है। तो बहुत बड़ी बधाई हो आप सभी को। और आप जानते हैं कि जब इतना बड़ा रिकॉर्ड बना हो, ये सपने के सच होने जैसा है, सपने के सच होने जैसा। सच में बता रहा हूं बच्चों, एक समय जब शुरुआत हुई थी तो यही बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद ये बहुत बड़ी बात थी, और आज ये पूरा मिल गया। तो ये जो सपना सच हुआ है, इसके पीछे दिशा परिवार का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जो ये प्रतियोगी वातावरण है, कि अभी जून में लोअर सबॉर्डिनेट प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, लोअर सबॉर्डिनेट का जो रिजल्ट आया उसमें दिशा परिवार के 92 कैंडिडेट्स सफल हो चुके हैं। और 1 जुलाई को, यानी जुलाई की पहली तिथि को जो रिजल्ट आया, उसमें दिशा परिवार ने दोहरा शतक लगाने का काम किया है। 202 कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये सिलसिला जो है, जो चला है, मैंने अभी बताया कि ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को आपको ब्रेक करना है, आपको तोड़ना है। 2020 का रिकॉर्ड, 2020 का मतलब 2020 के एग्जाम, जो 20 में एग्जाम हुआ, ये एग्जाम मार्च में हुआ था, तो 2020 का रिकॉर्ड 2021 में तोड़िए, लेकिन तोड़ के रखिए इसको। ये आप सभी को तोड़ना है। हम इतनी बड़ी सफलता हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। ये जो सफल हुए हैं इन्हें फाइनल सिलेक्शन की जिम्मेदारी है। जो असफल हुए या जो लोग अभी इस एग्जाम की प्रक्रिया में ही नहीं आए, उनके सामने यह है कि वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें, इस रिकॉर्ड को तोड़ें। तो आप सभी को अच्छी तरह ये अनुभव होगा कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता। आज वही स्थिति हमारे साथ भी है कि आज कल रात से ही ऊर्जा बहुत है, काम करने की ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए जो स्थिरता, जो तन्मयता है, उसको प्रभावित कर रही है। बार बार कहीं से फोन आ रहा है, कहीं किसी को मैसेज आ रहा है, कहीं कहीं जो है कोई बात उत्साहजनक हो रही है, और ऐसे में जो है वो जो पढ़ाई का जो सिस्टम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाता है। क्योंकि ये ऊर्जा आगे के लिए आपको बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन उस समय, अब आप सोचिए कल से आज तक की जो आपकी मन स्थिति है, हमारी मन स्थिति है, वो मन स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। और उसी से, उसी प्रभाव में हम अभी चल रहे हैं कि जब 189 सुबह था तो लग रहा था 190 पार हो जाए, जब 90 पार हुआ तो 93, 94, और बाद में क्या हो रहा था, पहले तो क्या हुआ, छक्का लगा, चौका लगा, पूरा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ, अभी 1 by 1, तो फिर ये लगने लगा 200 पार हो गए,
तो लगा एक, अब 200 पूरा पूरा 200 नहीं सही लगता, 201, अच्छा एक और हो जाए 202, अभी क्या लग रहा 205 हो जाए, ठीक है। बट ये है, हाँ यार डबल सेंचुरी लगा ली, अब अगर हम जो है वो उतने पे ही हैं तब भी बहुत बड़े रिकॉर्ड के साथ हैं। और हमने कहा कि ऐसे रिकॉर्ड को, क्योंकि ऐसा ऐसा नंबर ऑफ कैंडिडेट के रिकॉर्ड को नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा रिकॉर्ड जो मैंने आपको सुबह रेशियो बताया था कि सक्सेस के इस रेशियो के को तोड़ना जो है वो दिशा परिवार के बस की बात है, वही तो हो सकता है। और आप उस परिवार का हिस्सा हो, आप उस परिवार से जुड़े हो, तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मिलकर तोड़ना है। और बच्चों आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपकी असफलता हमारी असफलता है। अगर इस एग्जाम में कोई असफल हुआ हम असफल हुए, अगर कोई सफल हुआ है तो हम सफल हुए। तो अब ऐसे में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सफलता और असफलता ये हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई अगर असफल हुआ है तो कल को उसे सफल भी होना है। इस रिजल्ट में शामिल ऐसे अनेक कैंडिडेट्स हैं जो CHSL के एग्जाम में असफल हो चुके हैं, 10+2 में सफल नहीं हुए और CGL में अर्थात ग्रेजुएट लेवल में सफल हो गए। तो उस समय हो सकता है किसी ने कहा हो, अरे यार जब इनका इसमें नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, है कि नहीं है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि आपके लिए हो सकता है उससे बेटर कुछ हो, कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे अंजनी सर की एक बात जो है मुझे बहुत प्रभावित करती है, आप सबको भी बहुत अच्छी लगती होगी, कि जो है कभी कभी अमंगल में भी मंगल होता है, अमंगल में भी मंगल। मतलब अब बुरा तो जरूर लगता है कि यार, लेकिन हो सकता है आगे आपको हो सकता है पता चले, ये धैर्य रखो बच्चों, हो सकता है ये पता चले कि अरे यार ये तो मेरे अच्छे के लिए हुआ। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो होना है, बुरा जब भी होगा तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह है कि उसका सामना करना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है और उसके अनुसार परिस्थितियों को बनाना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है। और यही आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है जिसमें आपको विजय प्राप्त करनी है। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इतने परिणाम आप सबको प्रेरित करेंगे कि यार फिर हम भी सफल हो सकते हैं। ये फला व्यक्ति अगर सफल हो सकते हैं, ये लिस्ट पे लिस्ट अपडेट होती चली जा रही है, अगर ये सफल हो सकते हैं ऐसे लिस्ट बनती चली जा रही है, तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं, हम क्या इनसे कम है। हाँ अभी नहीं आई बारी हमारी, आगे आएगी, हम सफल होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज जैसा कि मैंने सुबह के शेड्यूल में डाला हुआ है इकोनॉमी, कई बार सोचा कि कल के लिए इसको पोस्टपोन कर दूं, अभी एक मैसेज आपको कर दूं कि कल आपका इकोनॉमी का अगला पार्ट का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर हमने कहा नहीं, जब हम बच्चों से कल की अपेक्षा नहीं करते तो हम कल कैसे करें, हम आज करेंगे अभी करेंगे। हम आपसे ये अपेक्षा नहीं करते जब कि आज का काम आप कल करो, तो हम ऐसा क्यों करें, हमें भी आज ही करना है। तो इस कमिटमेंट को पूरा करने के कारण कहीं ना कहीं से मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मन में बस वो सफलता के लड्डू और चीजें घूम रही हैं उत्साहित करने वाली, लेकिन फिर भी मन को स्थिर करते हुए आपके बीच आज के इकोनॉमी के टॉपिक को मैं शुरू करता हूं। तो बच्चों आज का जो इकोनॉमी का टॉपिक है वो हमारा करेंसी और बैंकिंग का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार बैंक से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी देखी थी, और RBI जो है वो बैंकिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो दरें निर्धारित करता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि हम लोगों ने पिछली बार जो डिस्कशन किया था, ठीक है, तो वो सॉरी एक ब्रेक हुआ है, ओके
तो सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई थी, अब मैंने फ्लाइट मोड कर दिया। मैं भूल गया था फ्लाइट मोड करना। मैंने कहा नहीं, अति उत्साहित होंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही होगा, वो हम भी सामान्य मानवीय प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं। तो उसी क्रम में प्रभावित हो गए कि हम भूल गए कि फ्लाइट मोड में करना है। तो मैंने आपको जो बताया था CRR के बारे में, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक, ये 5 दरों के बारे में बताया था। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा तो, कि ये क्या है, व्हाट इज CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एंड जब ये बढ़ाया जाता है, जब इसको RBI इंक्रीज करता है, तो करेंसी के वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, करेंसी के फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब मनी जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है। अब बच्चों, बैंक से रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है या बैंकिंग से रिलेटेड और चीज़ें हैं वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब RBI के जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, उस ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आप सबने ये देखा था कि RBI 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाओं को विशेष रूप से संचालित करता है। एक कॉमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और तीसरा कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें कि सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, पहली कैटेगरी है जो RBI में, वो है कॉमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक, ठीक है। तो आप कॉमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक आपने देखा था 2 प्रकार के हैं, एक नेशनलाइज बैंक या इनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक। तो 2 प्रकार की कॉमर्शियल बैंकिंग है, व्यावसायिक बैंकिंग है RBI के अंडर में, एक नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के बैंक हैं, एक इंडियन भारतीय बैंक और एक फॉरेन या विदेशी बैंक, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम अब बात करेंगे नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक। तो देखिए, अगर भारत की बैंकिंग व्यवस्था की बात की जाए तो भारत में यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम के आधार पर आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया गया। यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम कैसे, किस पर आधारित था, उदारवाद, पूंजीवाद, जो भी कह लीजिए आप, कैपिटलिज्म पर, मतलब पूंजीपति जो है वो फ्री था ऐसे किसी बैंक को स्थापित करने के लिए, उसकी नीतियों को निर्धारित करने के लिए, और वो एक बिजनेस के रूप में उसको स्थापित करता था। और अब बैंक एक प्रकार से क्या करता है, रुपए का व्यापार करता है, रुपए का आदान प्रदान करता है, तो उस रूप में वो व्यापार करता था। भारत में भी पूंजीपतियों ने बैंक स्थापित किए, भारतीय पूंजीपतियों ने भी बैंक स्थापित किए, ज़्यादातर विदेशी पूंजीपतियों ने बैंक स्थापित किए, बहुत सारी कंपनियाँ आई, उन्होंने बैंक स्थापित किया। और भारत में जो बैंक स्थापित हुए वो अंग्रेजों के समय में कॉमर्शियल बैंक के रूप में स्थापित किए गए, और उस समय कोई पब्लिक सेक्टर बैंक स्थापित नहीं हुआ, यानी पूरी तरह से वो यूरोपियन कैपिटलिस्टिक सिस्टम पर स्थापित हुए, ठीक। स्वतंत्रता के बाद जब हमने समाजवाद अपनाया, सोशलिज्म अपनाया, तो समाजवाद
जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में हो, अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप हो। और इकोनॉमी जो है वो जब कह रहा है कि राज्य के नियंत्रण में हो, तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, और वो पूंजी की व्यवस्था वो किसके नियंत्रण में होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में। लेकिन उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो सारी बैंकिंग व्यवस्था किसके हाथ में थी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। इवन आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक था, यानी बैंकों का बैंक जिसको उस समय भी कहते थे, वो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के शेयर थे। जो आपने देखे कि 1949 में 1949 में जो है वो गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया और उसे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया, यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक से पूरी तरह वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, नेशनलाइज बैंक हो गया। ठीक, अब लेकिन आरबीआई तो सेंट्रल बैंक था, वो कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं था। उस समय जो कॉमर्शियल बैंक था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक की परिभाषा सुनिश्चित की कि ऐसा कोई बैंक जिसमें सरकार का या राज्य का, गवर्नमेंट का 51% या उससे अधिक शेयर होगा, 51% मिनिमम या उससे अधिक शेयर होगा, उसे नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। उसकी कैटेगरी क्या होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, जिस बैंक में राज्य की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होगी उसे नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाएगा या उस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक, तो अब 51% या उससे अधिक शेयर किसी भी कंपनी में जिसका होता है, सामान्य फॉर्मूला है, गवर्निंग राइट, उसके सिस्टम को कंट्रोल करने का राइट उसके पास होता है। ठीक, तो यहां पर 51% का मतलब ही यही था कि 51% किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। यानी अगर उसमें 40-45% प्राइवेट सेक्टर का शेयर है तो वो प्रॉफिट और लॉस का शेयर होगा, उसके पास कोई गवर्निंग राइट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेशनलाइज बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो कौन सा बैंक हुआ, ऐसे बैंक जिसमें राज्य का शेयर 51% या उससे अधिक होगा। ठीक, अब यहां बात आती है कि जब सबसे पहले क्या भारत सरकार ने कोई नेशनलाइज बैंक एस्टेब्लिश किया, नहीं किया। भारत सरकार उस समय इतनी पूंजी नहीं रख पा रही थी कि उसने एस्टेब्लिश करना था, उस समय उसने उसका दूसरा तरीका अपनाया। अब क्या तरीका अपनाया उस पर आते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो किसी प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज क्यों करती है, किसी प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में क्यों लाती है, क्यों डिक्लेयर करती है, अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया। तो सबसे पहले देखिए, ये आर्थिक नीति के तहत हुआ। जब हमने ये अपनाया कि भारत में पूंजीवाद के साथ समाजवाद के आर्थिक सिद्धांत को भी लागू किया जाएगा, राज्य के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाएंगी, राज्य के द्वारा रोजगार की योजनाएं लागू की जाएंगी, तो भाई सारी योजनाओं के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी ना, और पूंजी का एक बहुत बड़ा माध्यम क्या है, बैंक। तो जब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो सरकार क्या करेगी, कहीं ना कहीं पूंजी लोगों से कलेक्ट करने का एक माध्यम जो है वो बहुत बड़ा क्या है, बैंक। बैंकों के माध्यम से तो परिचालन होता है,
इसीलिए तो कहते हैं बैंकों पर लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए, तभी पूंजी का परिचालन होगा, नहीं तो पूंजी रुक जाएगी, एक जगह ठहर जाएगी। तो अब वो तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, तो सीधी सी बात है कि पूंजी पर राज्य का नियंत्रण, समानता पर आधारित योजनाओं को संचालित करने के लिए पूंजी पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, इसलिए नेशनलाइज करना, राष्ट्रीयकृत करना जरूरी था, पहली बात वो कंट्रोल करने के। दूसरी बात क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, सिर्फ प्रॉफिट नहीं बड़े पैमाने पर हित करने के लिए ये जरूरी था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कहा जाएगा, वैसे क्या होगा प्राइवेट कहा जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण की बात करें या हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो देखिए अगर हम देखें तो भारत में ये प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले मैं ऐसे ही अगर लाइन बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक की, तो 1955 में, फिर 1959 में, 1959 में, फिर 1969 में, फिर 1980 में, ठीक, उसके बाद फिर 1993 में, 1993 में, ठीक, फिर 2019 में, एंड देन 2020 में, ठीक है। सॉरी, नेशनलाइजेशन तो 80 तक ही हुआ था क्योंकि इसके बाद फिर बैंक मर्ज हो गए थे, ठीक, तो मैं 80 तक को पहले बता देता हूं आपको, फिर आगे क्या हुआ उस पर। तो देखिए जो हमारे जितने भी बैंक थे मैंने आपको बताया वो सब प्राइवेट बैंक थे, ठीक। तो अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट बैंक थे उसमें जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, इस तरह से उस समय बैंक हुआ करते थे। तो 1921 में जब ब्रिटिश शासन था तो ऐसे कुछ बड़े बैंकों ने एक अपनी एक चेन बनाकर और एक बड़ा बैंक स्थापित किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो समय जो एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा जो बैंक था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक मतलब जो प्रॉफिट बेस रुपए का व्यापार करता है वो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, व्यवसाय कर रहा है वो, ठीक, उसका उद्देश्य यही है प्रॉफिट प्रॉफिट, एंड उसके बाद फिर अगर वेलफेयर हो रहा है तो वो समाजवादी नीति के तहत हो रहा है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जब सरकार ने सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया 1949 में, उसके बाद सरकार ने जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि सबसे पहले उसे था ना कि हमें एक बैंक अपना बनाना है, गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है। तो उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 60% शेयर, 59 पॉइंट समथिंग, लगभग 60% शेयर आरबीआई ने ले लिए। आरबीआई किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले 1955 में एसबीआई उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे क्या नाम दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। 1958-59 में एसबीआई एसोसिएट जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, एसबीआई एसोसिएट्स, एसबीआई एसोसिएट में 7-8 बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, तो ऐसे बैंक ऑफ इंदौर, ऐसे बैंक्स जो थे वो भी प्राइवेट थे उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया जो एसबीआई एसोसिएट्स के नाम से जाने जाते थे। तो ये इसमें राष्ट्रीयकरण इनका किया गया और वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका मतलब उसके शेयर भी सरकार ने खरीद लिए और इससे भी नेशनलाइज बैंक डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों को
राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। अभी मैं बताऊंगा आपको, 14 प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया और उन्हें पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक डिक्लेयर किया गया। फिर 1980 में 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को राष्ट्रीयकृत किया गया, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया और उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर किया गया। ठीक, तो इसका मतलब भारत में जो पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स हैं या नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक हैं, वो बैंक पहले प्राइवेट बैंक थे, उन प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज करके और फिर उनको पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में रखा गया। और ये पहले 1955 में हुआ, फिर 1959 में हुआ, फिर 1969 में हुआ और फिर 1980 में हुआ। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन बैंकों को मर्ज कर दिया गया और फिर उसके बाद इनकी संख्या को कम कर दिया गया। ठीक, तो अभी हम उस पर आते हैं, क्योंकि अगर हम यहां देखें तो 14/6/20 और 7/27 1/28 अगर हम देखें तो 28/27 नेशनलाइज बैंक होनी चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक होने चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम सिर्फ 12 राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, अब वो कैसे है अभी उस पर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज बैंक ऐसा बैंक जिसमें राज्य का शेयर कितना प्रतिशत होता है, 51% होता है। ठीक, अब हम कुछ फैक्ट्स की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, फैक्ट वाइज सबसे पहला अगर हम देखें तो हम आपको अपने नोट्स में SBI के बारे में ज़रूर कोड करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो नेशनलाइज बैंक है अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस, सबसे बड़ा बैंक भारत का, तो SBI के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि SBI जो है 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1 जुलाई, ठीक, 1 जुलाई 1955, ये डेट हम लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट को रिजल्ट आया है, लेकिन अब ये 55 की बात कर रहे हैं तो बैंक के लिए, तो 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीयकृत किया गया और इसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। और इसके लिए इस बैंक के 59 पॉइंट, ठीक है, इस बैंक के 59.79% शेयर किसने ले लिए, RBI ने। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के 59, मैंने कहा था 51 मिनिमम होना चाहिए, 59.79% RBI ने ले लिया और उसके बाद इसे राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया गया स्टेट को। ठीक, अब इसका मतलब अब यहां केंद्र सरकार या राज्य ने नहीं लिया, किसने लिया इसका शेयर, RBI ने। ठीक, अब आप देखेंगे कि 1969 में जब 14 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए तो RBI ने उसके शेयर नहीं लिए थे, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके शेयर RBI ने नहीं लिए। और 6 बैंक जो है, विजया बैंक, देना बैंक, ऐसे 6 बैंक जो है वो 1980 में राष्ट्रीयकृत हुए थे प्राइवेट, उनका शेयर भी RBI ने नहीं लिया, तो उसका शेयर किसने लिया, डायरेक्ट सरकार ने लिया। बट SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि RBI को अपनी
जो पूरे ऑल ओवर इंडिया बैंकिंग सिस्टम चलाने के लिए आरबीआई को जो है एसबीआई जैसी या कोई ऐसी बैंकिंग चेन चाहिए थी, ठीक है, तो वो बैंकिंग चेन उसको किस रूप में मिली? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के इसीलिए के शेयर किसने लिए? आरबीआई ने लिए, कि आरबीआई का जो नोडल बैंक होगा वो कौन होगा? एसबीआई होगा। तो आरबीआई का नोडल बैंक एसबीआई रहेगा, इसलिए हम आपका शेयर हम खुद ले रहे हैं, ठीक। अब जब 1969, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें इसलिए बदलाव आया 1969 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीयकृत किया 14 बैंकों को और 80 में 6 बैंकों को, तो उन 20 बैंकों में एक भी बैंक में आरबीआई का शेयर नहीं था। अब ऐसे में वो राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब एक कैटेगरी में आ गए और एसबीआई एक कैटेगरी में आ गया। क्यों? इसमें आरबीआई का शेयर था और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था। तो अब ये आरबीआई बैंक के रूल एंड रेगुलेशन कौन निर्धारित करता? आरबीआई। ये स्पेशल कैटेगरी में आ गए और ये किस में आ गए? ये अलग कैटेगरी में आ गए। तो अब एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वर्किंग कल्चर था वो चेंज हो गया। एसबीआई वालों को लगे कि यार हमारा शेयर होल्डर या हमारा मालिक कौन है? आरबीआई है, और आरबीआई ये तो रूल बनाता है और हमारा पार्ट आरबीआई है, तो आरबीआई हमारा कुछ नहीं करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा हमेशा। तो वर्किंग कल्चर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अदर बैंक से और एसबीआई में बहुत बदल गया और इन बैंकों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा कि भाई नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक हम भी हैं, नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक आप भी हो, ठीक है, आप भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आप भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, फिर आप अलग क्यों हो? आपको वेटेज क्यों दिया जा रहा? वेटेज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये आरबीआई की हिस्सेदारी की वजह से। इसके खिलाफ जब इन बैंकों ने आवाज उठाई तो भारत सरकार को निर्णय लेने पड़ा। इसीलिए मैं उसी बात पर आ रहा हूं, भारत सरकार ने फिर निर्णय लिया 1 जनवरी। अब इसमें अगला स्टेप क्या हुआ यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। 1 जनवरी ठीक है, एसबीआई में उपस्थित या प्रेजेंट आरबीआई के शेयर भारत सरकार ने खरीद लिए, जो लगभग 60% शेयर था उस शेयर को किसने खरीद लिया? भारत सरकार ने, ठीक। और मैंने इसके पहले की स्टोरी बता दी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसी के कारण से ये अलग कैटेगरी में आ जाता था, अब अलग कैटेगरी नहीं रही। अब ये हुआ कि भैया आप जैसे अन्य बैंक वैसे आप भी हो, ठीक। आज भी आरबीआई का सबसे बड़ा नोडल बैंक यही है, ठीक है, सरकारी तमाम तरह के जो पैसे होते हैं वो यहां जमा होते, लेकिन फिर भी आप में हमारा कोई शेयर नहीं है। सेंट्रल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में जैसे भारत सरकार का शेयर है, वैसे ही एसबीआई में भी शेयर है, आरबीआई का कोई शेयर अब नहीं रहा। तो एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे एसबीआई नाम दिया गया या भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया, और 2007 में इसमें उपस्थित आरबीआई के शेयर भारत सरकार ने खरीद लिए, जिसके बाद एसबीआई इज इक्विवेलेंट टू पीएनबी एंड अदर नेशनलाइज बैंक। और अगर आप देखिए तो वर्किंग कल्चर में भी उसके बाद अंतर आया है,
जितने भी नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो नए रिक्रूटमेंट में आपको अपने आप से दिख रहा होगा कि अब SBI के वर्किंग कल्चर में पुराने और अब में बहुत अंतर आया है। जो सरकारी व्यवस्था है उसमें एक बदलाव आया है, उसका कारण ये बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेशनलाइजेशन के द्वारा बैंकों का एक पूरा ग्रुप आया। कब? 19 जुलाई 1969। तो 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 14। और वो 14 बड़े निजी बैंक जो थे, उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, पता है उनके पास देश की जो कुल जमा पूंजी थी बैंकों में, उसका 85% भाग उनके पास जमा था। ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय किया गया। और वो तो ये वो डेट थी जिस डेट को भारत के 14 प्राइवेट बैंक या निजी बैंक, जिनकी इनिशियल कैपिटल या अंश पूंजी जो है वो 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण करके उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक या जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक घोषित किया गया। अब वो 14 बैंक कौन से हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या CBI, एक तरफ मैं इसका हेड ऑफिस भी लिखते चल रहा हूं, मुंबई। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या CBI और हेड ऑफिस मुंबई। दूसरा PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, शायद नई दिल्ली ऑफिस है, हाँ, न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली। तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, और इसका भी हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है, मुंबई हेड ऑफिस इसका भी, ठीक। देन यूको बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, यूको बैंक कोलकाता। देन सिंडिकेट बैंक का मणिपाल कर्नाटक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक। देन सिंडिकेट बैंक के बाद कैनरा बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक का मेरे ख्याल से बंगलुरु, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 7 बैंक अभी आपके सामने आए, अन्य 7 पे भी हम चल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई, पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूको बैंक कोलकाता, सिंडिकेट बैंक मणिपाल, कैनरा बैंक बेंगलुरु, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा गुजरात। ठीक है, अब यहां एक बात और मैं बता दूं कि भारतीयों के द्वारा स्थापित अगर पहला बैंक पूछा जाए तो वो यहां पर है पंजाब नेशनल बैंक, PNB, जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, 1894 में स्थापित हुआ था, 1894 में भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक। ठीक, अब इसके बाद 7 और 7 14 होने चाहिए, तो 7 बैंक की बात हमने की। नेक्स्ट 7 में अगला है देना बैंक, 8वें नंबर पे देना बैंक, जिसका हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है, देना बैंक हेड ऑफिस मुंबई। अभी जो मर्ज हुए हैं मैं उनकी बात अभी करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए कि अभी तो ये रहा ही नहीं, अरे भाई पहले था ना, उसकी बात तो कर लो ना, नहीं रहा तो उसको भूल जाओगे। ठीक है, अलाहाबाद बैंक, ठीक है, अलाहाबाद बैंक कोलकाता, शायद हेड ऑफिस है, हाँ कोलकाता,
ठीक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक चेन्नई, चेन्नई हेड ऑफिस। नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी चेन्नई है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी चेन्नई, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी चेन्नई है। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे, ठीक, 12 हो गए, दो और, इतने बैंक हम याद नहीं कर सकते इसलिए इसको हम लिख कर लाए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 13, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये जो है वो कोलकाता में, ठीक, हम नहीं याद कर सकते लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है याद करना, आपको एग्ज़ाम देना है और आप मिस नहीं कर सकते, हम मिस करेंगे तो देख के लिख देंगे, आप मिस करोगे तो उस देख के लिखने का सिस्टम नहीं होगा, ओके। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम कैसे याद करें, कुछ लोगों के मन में तुरंत आने लगा तो मैं बता रहा हूँ, तुरंत आने से पहले ये सोच लो, ठीक है, कि हमें नहीं तुम्हें एग्ज़ाम देना है, हम मिस करेंगे तो देख लेंगे, तुम मिस करोगे तो वहाँ देखने का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए चुपचाप याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बाद 14 नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेड ऑफिस मुंबई, ठीक है। किसी भी बैंक का हेड ऑफिस कभी भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने आपको हेड ऑफिस लिखाया, ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन इन 14 बैंकों में इलाहाबाद बैंक भी स्थापना के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पूछा जाए कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंक जो 1969 में थे उसमें सबसे प्राचीन बैंक कौन सा है, सबसे पुराना बैंक, इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद बैंक अब और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इलाहाबाद बैंक जो है वो किस रूप में जो है जाना जाएगा, इंडियन बैंक में शामिल हो गया है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तो देना बैंक मुंबई, इलाहाबाद बैंक कोलकाता, इंडियन बैंक चेन्नई, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ओके। 14 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था और जिसके बाद ये 14 पब्लिक सेक्टर बैंक किसके साथ शामिल हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। अब इसके बाद फिर से भारत सरकार के द्वारा 15 अप्रैल 1980 को 6 ऐसे प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी अंश पूंजी 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, ठीक है। तो कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 कौन से 6 बैंकों का हुआ है ये हम लोग अब देखते हैं, ठीक। तो 6 बैंक में सबसे पहला आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक ना लिख लेना, आंध्रा बैंक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो गया, आंध्रा बैंक हेड ऑफिस हैदराबाद, उस समय तेलंगाना नहीं था, ठीक है, हैदराबाद, ओके। तो आंध्र प्रदेश से आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अभी मैंने देखा, हाँ, ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, न्यू दिल्ली, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली।
देन फोर्थ नंबर पे विजया बैंक, विजया बैंक, विजया बैंक का हेड ऑफिस बंगलुरु। नेक्स्ट कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का हेड ऑफिस बेंगलुरु। ठीक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। अब आप जो हेड ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग अपने बैंक को एक साथ लिख सकते हैं, ये आपका अपना तरीका हो सकता है, मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार के द्वारा पुनः जो है वो आरबीआई रूलिंग के अंतर्गत 6 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर किया गया, नेशनलाइज बैंक डिक्लेयर किया गया। आंध्रा बैंक हेड ऑफिस हैदराबाद, पंजाब एंड सिंध बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, विजया बैंक बेंगलुरु, कॉरपोरेशन बैंक बेंगलुरु और न्यू बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ये राष्ट्रीयकरण किए गए और ये सब प्रभाव समाजवाद का था, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 1947 से लेकर 1991 तक समाजवाद का व्यापक प्रभाव था और ये समाजवाद के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था और उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक घोषित किया जा रहा था। प्राइवेट बैंकों की फिर से जो ये परिचालन व्यवस्था दिख रही है आज, जो इनका जो बिजनेस दिख रहा है, ये 1991 के आर्थिक सुधार के बाद हुआ। अदरवाइज 1991 तक भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक का ही बोलबाला था, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक का, नेशनलाइज बैंक का बोलबाला था। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार इतने सारे बैंक लिखवा दिए और कुछ बैंक तो अब है ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले बैंक मर्ज किए गए, 10 बैंक अब 4 बैंक में जाने जाएंगे, ऐसा हुआ फिर। ठीक है, विजया बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऐसा बैंक, ये सब तमाम चीज़ें हुई। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब प्रेजेंट टाइम जो इन बैंकों में जो अब केवल बचे हुए पब्लिक सेक्टर 12 बैंक, मैं उसकी भी लिस्ट आपको दे रहा हूँ और अब क्या स्थिति है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कि यहां पर बैंक जो मर्ज किए गए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे किसी ने मुझसे पिछले लेक्चर में पूछा था कि सर यश बैंक जो है वो क्यों डूब गया। ठीक, तो पर्टिकुलर एक बैंक को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूं, सीधी सी बात है यार, इतना दिमाग लगाओ सीधा सा कि कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो गया या डूब गया तो इसका मतलब उसके लोन की रिकवरी नहीं हो पाई, उसकी पॉलिसीज गलत थी, उसने अपने इतने लोन जो है वो दे दिए कि उसकी रिकवरी नहीं हुई। तो बैंक क्या हुआ, रुपए का बिजनेस कर रहा है, रुपया दे दिया। अब जैसे सामान्य सा समझ लो कि एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन, ठीक है, वो एक पर्सन है कोई, ठीक, ए पर्सन है, वो कर्ज पे लोगों को कर्ज देता है जो अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम है, और वो जितना पैसा है सब बांट दे और उसकी रिकवरी ना हो पाए तो वो डूब गया कि नहीं डूब गया, मतलब कहीं ना कहीं उसका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो कोई ना कोई, तो सेम बैंक के साथ भी यही है। अब आपके मन में आता होगा जब, तो फिर CRR SLR का क्या मतलब है। भाई सीधी सी बात है, CRR और SLR मिलकर कितना परसेंट हुआ, 25% में सब कुछ हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। तब आरबीआई क्या बोलेगा, जब कोई भी सहकारी बैंक या कोई भी बैंक डूब रहा है तो आरबीआई क्या बोलेगा, आपका मिनिमम इतना अमाउंट हम दिलवा देंगे, आपको मिनिमम इतना अमाउंट मिल जाएगा क्या, पूरा मिल जाएगा क्या, नहीं हो सकता ना, 25% में पूरा कहां से मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं, उसमें एनपीए एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो जो बैंक मर्ज किए जाते हैं, ठीक है, तो विलय, बैंकों का विलय, या अगर हम कहें राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय, ठीक है, तो दो कॉमर्शियल बैंक्स का जो विलय किया जाता है उसके पीछे कई कारण होते हैं। बैंकों के परिचालन की लागत को जो है वो कम करना, ऐसा बैंक जो घाटे में चल रहा है उसे लाभ आधारित बैंक के साथ जोड़कर उस बैंकिंग व्यवस्था को और अच्छा करना, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य लेकर चलते हैं।
ठीक है, तो उसी आधार पर समय समय पर भारत में बैंकों का विलय किया गया है या मर्ज किए गए हैं बैंक। ठीक है, अब ऐसे में जो मर्ज किए गए हैं उसमें सबसे पहला बैंक मर्ज जो हुआ था वो 4 सितंबर, ठीक है, मैं डेट वाइज दे रहा हूं, 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 1993, 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में किया गया। पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी में किया गया, पहला विलय हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ठीक, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय, ठीक। दूसरा जो विलय हुआ 1 अप्रैल 2019, ठीक, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में किया गया, जिस बैंक में किया गया, मैं उसका, जिसका विलय किया गया वो ये बैंक है, जिसमें किया गया वो ये है, ठीक है। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। देन अब फिर आते हैं तीसरा विलय, और तीसरा क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 विलय हैं, बट इनकी डेट एक साथ में बता रहा हूं, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा विलय जो है वो 1 अप्रैल 2020, ठीक, तो तीसरा विलय कब हुआ है, 1 अप्रैल 2020। अब इसमें जो है जिन बैंकों का विलय हुआ है उस पर आते हैं। इसमें जो है सबसे पहला विलय हुआ है यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में हुआ है, ठीक, यहां भी पीएनबी में, ठीक। 1 अप्रैल 2020 यानी जो सबसे लेटेस्ट विलय हुआ उसमें अगला विलय है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय, ठीक है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो हुआ है वो हुआ है कैनरा बैंक में, ठीक, हाँ, ओके, एक मिनट, सॉरी, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, ठीक है, ओके। अब एक और विलय हुआ सिंडिकेट बैंक का विलय, ठीक, सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है कैनरा बैंक में, ठीक, तो सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, ठीक, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ है। ये बहुत सबसे बड़ा मर्ज जो है वो यही 1 अप्रैल 2020 को। और एक और विलय इलाहाबाद बैंक जो है, ये बहुत बड़ा बैंक मर्ज हुआ है, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया,
इंडियन बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस तरह से ये, ठीक। तो अब आप देखिए कि वास यहां पर आपको दिख रहा है कि जो है 1 2 3 4, ठीक, अभी जो सबसे लेटेस्ट मर्ज हुआ उसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 बैंक ये और दो बैंक ये और दो बैंक ये, ठीक है, तो 6 और इधर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसी को बोला गया कि 10 बैंक अब कितने बैंक के रूप में जाने जा रहे हैं, 4 बैंक, ठीक है, ये 10 बैंक तो टोटल थे, 6 और 4 10, तो वो अब कितने, इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो वो अब 4 बैंकों के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ, फिर से मैं आ रहा हूं, ठीक। दूसरा 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पीएनबी में हुआ। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया है और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया, ठीक। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि ये डिक्लेयर हो गया कि 1 अप्रैल 2020 से इनका मर्ज हो गए, लेकिन कोरोना के इफेक्ट के कारण कई सारा काम वहीं रुक गया था, कोविड-19 के इफेक्ट के कारण। तो बैंकिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो ये मर्ज हुआ वो इंप्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई 2020 से हो पाया, ठीक है, कोविड-19 के इफेक्ट के कारण। जो वास्तविक रूप से जो है इसका जो प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि इंप्लीमेंटेशन जो हो पाया वो 1 जुलाई 2020 से हो पाया था, ठीक है। तो ये डिक्लेयर डेट तो ये थी, बट इंप्लीमेंटेशन डेट यहां पर 1 जुलाई यानी कल वाली डेट 2020 हो गई, ठीक। तो अभी प्रेजेंट टाइम इसका मतलब जो इधर लिखे बैंक हैं अब इनका अस्तित्व नहीं है, अगर है तो इसका मतलब इन्होंने अभी परमिशन दी है कि आप अभी पब्लिक में कोई गलत मैसेज ना जाए, ऑपरेशनल में आप बने रहो, बट ये सब किसके अंडर में अब आ गए, तो इनका जो बॉस है, इनका जो पूरी तरह से गवर्निंग है वो कौन है, ये बैंक है, ठीक है, इनके द्वारा ये संचालित हो रहे हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं हम कि बैंकों के विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के या पब्लिक सेक्टर के वो 12 बैंक कौन से हैं, ठीक है। आफ्टर मर्ज जो है वो 12 बैंक्स जो हैं वो कौन से हैं इनको हम देखते हैं। तो 12 बैंक जो हैं उनके नाम मैं फिर आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो 12 बैंक जो अभी फिलहाल आपके सामने आ जाएंगे, ठीक, कुल मिलाकर, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पे BOI बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं उसको बताता भी चल रहा हूं, कैनरा बैंक, फिफ्थ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, इंडियन बैंक, सेवन इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 8 नंबर, पंजाब एंड सिंध बैंक, नेक्स्ट पीएनबी, नेक्स्ट
SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये 12 बैंक आ गए। ये 12 बैंक आप देखिए जो है यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है, और पूरी तरह से जो है इसके अंतर्गत आप देखिए कि अभी जो आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर इंडियन बैंक हो, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, ठीक है, वो सारे बैंक यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक। तो आप देखिए कि वो बैंक्स जो है, अब अगर हम जो 12 बैंक हैं इन्हीं के सामने अगर हम देखें तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए, विजया बैंक और कौन सा मर्ज हुआ था, देना बैंक। अब कब हुआ था वो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। देन आप देखिए कैनरा बैंक इसके बाद आया, कैनरा बैंक में कौन मर्ज हुआ था, सिंडिकेट बैंक यहां मर्ज हुआ था, ठीक है। देन आपने देखा इंडियन बैंक में कौन आ गया था, इलाहाबाद बैंक जो है यहां आ गया, अब नहीं रहा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपने देखा पीएनबी की अगर हम बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक, तो पीएनबी में जो है वो 3 बैंक, सबसे पहले आया था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया आया था। उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो है पीएनबी में अभी लेटेस्ट जो आए वो कौन आए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC, ठीक है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये आए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अलावा इसमें जो है वो किस तरह से बैंक जो है वो मर्ज हुए, ठीक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी आप देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, ठीक है, और इसके बाद कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आ गए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो बैंक 12, अब अगर ये कहा जाए कि वर्तमान में कॉमर्शियल बैंक में या पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक की भारत में जो है वो संख्या क्या है, तो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, 12 कॉमर्शियल बैंक्स हैं प्रेजेंट टाइम, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। कौन कौन से कॉमर्शियल बैंक मर्ज हो चुके हैं अभी तक, तो अभी तक आप मैं अगर बताऊं तो आप देखिए कि जो है सबसे पहले मर्ज हुआ 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, देन विजया बैंक और देना बैंक 2019 में, 2020 में सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ठीक। ये बैंक अब मर्ज हो चुके हैं, तो अब ये जो है ऑलरेडी इस बैंक का हिस्सा हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो मैक्सिमम चीजें थी पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड, उनको हमने डिस्कस किया। अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज बहुत उत्साह मिला है, आप जैसे बच्चों ने बहुत सारा उत्साह दिया है, और वो ऊर्जा जैसे लगता नहीं कि यार मन करता है कि आज कुछ स्पेशल खाया जाए, आज कुछ स्पेशल जो है कुछ मनोरंजन हो, ठीक है, खुशी का दिन है, तो उसको भी आपको ऐसे सेलिब्रेट करना है। और मैं यहाँ पर जो है वो
जो हमारे सिविल के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि बच्चों आपके लिए हम लोग जो वर्कआउट करते हैं, ये मैं स्पेशली सिविल के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात रख रहा हूं, ठीक है। तो सिविल वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरी करें। अभी लेटेस्ट जो है अभी देखा गया कि पिछले कुछ टेस्ट से जो है कुछ कैंडिडेट्स के स्कोर बड़े अच्छे आ रहे थे, और अचानक जो है जब उनसे आंसर सीट कल मांगी गई तो उनके स्कोर बहुत कम आए। तो आंसर सीट मांगी गई, स्कोर कम आए, इसका मतलब कि वर्कआउट नहीं किया। तो अब आपसे अगर ये अपेक्षा की जा रही है, हम अपेक्षा करें या अंजनी सर अपेक्षा करें कि आप ईमानदारी से अपना काम करो, तो यार फायदा किसका है उसमें? आपका फायदा है, ठीक है। और रही बात कभी भी हमारे गुस्सा होने की, या टीचर के हेड से अगर हम गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए होता है। किसी भी हालत में हमारे द्वारा आपका अहित नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। गुस्से में हम कुछ कह रहे हैं वो बात अलग होती है, हाँ, लेकिन किसी भी स्थिति में हम लोग आपका अहित नहीं होने देते, ठीक है। और यही बात सबके साथ होती है, हम टीचर्स जो है ये सोचते हैं, और दिशा परिवार में तो हमेशा कि किसी भी तरह से आपका अहित ना हो, ठीक है। क्योंकि आज जो हम सफलता का रिकॉर्ड बना रहे हैं उसमें यही सबसे बड़ी बात है कि आप ईमानदारी पूर्वक अगर कार्य कर सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है या मुझे फोन करता है या यहां आता है कि सर हमने फीस दे दी, तो हमने कहा तुमने टेस्ट किया, तुमने ऑनलाइन एक्टिविटीज की, तब तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज सबसे बड़ी है, क्योंकि परिणाम से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसको अच्छे से पूरा करिए। अच्छे से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है उसको अपनी सफलता में परिवर्तित करेंगे। और रही बात कि अगर हम टीचर्स आपसे अपेक्षा करते हैं, आप पूरा नहीं करते हो, तो श्योर है कि गुस्सा आएगी और उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, ठीक है। आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाओ, उसे आप 10 बार, 1 बार, 2 बार बताओ और आउटपुट नहीं देता तो कैसे गुस्सा आती, मन करता है एक थप्पड़ मारे, होता है कि नहीं होता? तो बिल्कुल वैसा ही वहां पर होता है। बस ये है कि अब आपको यहां पर आपसे अपेक्षा हम अपना काम और अच्छा करके दिखाएं, हम अगली बार और बढ़िया करके दिखाएं, ठीक है। और हम सर से ये जो है ये रिक्वेस्ट करें, सर को ये विश्वास दिलाएं, ये रिक्वेस्ट करें कि सर हम अच्छा करेंगे, ठीक है, और इस सर को ये विश्वास दिलाएं कि सर हम आपको अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति के मन में आएगा कि हाँ, जो बच्चे कमिटमेंट कर रहे हैं उनके लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अब इकोनॉमी के जो भी टॉपिक्स आपको जैसे भी बताया जाए उसको अच्छे से नोट्स बनाइए। ये नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन बताएं तब आप उसका नोट्स बनाएं, ठीक है। जब भी आपसे अटेंडम पूछा जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, और इसी तरह से हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट में आप तैयार रहो। जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये बात कह रहा था, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, खूब एंजॉय करो, थैंक यू।